तो दोस्तों, तो फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नो कंपटीशन बिजनेस आइडिया, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जिसको आप अपने एरिया में लॉन्च करके, एक नया प्रोडक्ट जिसको आप अपने एरिया में लॉन्च करके एक अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको लोगों की टंकियों में डालना है। पानी की जो टंकी होती है आपने देखा होगा, उसमें आपको डालना है और बस उतना ही करना है, और एक पीस पर आप 1000 रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ, इतना इजी बिजनेस है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही नया है, राइट। आप पहली बार देखने वाले पूरे YouTube, Facebook, Instagram पर फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट देखने वाले हो, जिसकी आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अपने एरिया में एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा नया है, इनोवेटिव है, और सबसे खास बात ये पेटेंटेड है। जी हाँ, पेटेंटेड का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप आपके एरिया में डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर काम करते हो, तो कोई दूसरा बंदा ये प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं दे सकता। अगर किसी को ये बनाना भी होगा ना, तो भी नहीं बना सकता, राइट। और तो इसीलिए ये एक नो कंपटीशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मोनोपोली बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। सर, ये क्या बिजनेस है, ये जो यूनिक प्रोडक्ट है जो हमारे व्यूवर्स एक नो कंपटीशन बिजनेस अपने एरिया में कर सकते हैं और अपने एरिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, तो जरा बताइए इस बिजनेस के बारे में, इस यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। नमस्कार सज्जनों, मेरा नाम है उदय नदीवाड़े और मेरे साथ है और हम दोनों हैं इस कंपनी के को फाउंडर और इन्वेंटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और जैसे हमने पहले बताया था कि हमें इसके ऊपर पेटेंट मिला हुआ है और ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। आज हम लेके आपके लिए नया आइटम डीकेयर। आपको धंधा करना है, पैसा कमाना है, कम लागत में करना है, तो ये बढ़िया आइटम है। अभी हर घर में बोर पानी होता है, जिसके वजह से कई कई एरिया में डेवलपमेंट होता है, स्केलिंग यानी शार। उस शार से लड़ाई करने के लिए मैं और मेरे पार्टनर उदय साहब ने मिलके एक बढ़िया इनोवेशन किया है कॉल्ड डीकेयर। इसको कई अवार्ड मिले हैं, ऑल्सो पेटेंटेड है। इतना इजी है यूज़ करना है इसको। हमारा मॉडल बिजनेस का बहुत सिंपल है, कम लागत में हाई मार्जिन। अगर आप दिन में अगर 4 पी बेचोगे आप, तो 4000 रुपये कमा लोगे आप, यानी पर यूनिट के पीछे 1000 रुपया आप कमा लोगे। और कस्टमर को कन्विंस करना बहुत आसान है, उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा डेमो किट है आपके पास, जो आपको फ्री में देंगे आपको हम लोग। उस डेमो कीजिए, घर में डेमो कीजिए, तो घर में घरवाले घरवाली सब देखेंगे एंड दे विल बी सेटिस्फाइड इन वन गो। तो आपको क्या है, इट इज वेरी इजी टू सेल एंड वेरी इजी टू मेक मनी ऑल्सो। तो सर, ये प्रोडक्ट का इंडिया में स्कोप कितना बड़ा है और आपसे जुड़कर ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हर घर में आज की डेट में इंडिया में बोरवेल है, राइट। पानी पीने के लिए म्युनिसिपल पानी देता है, बट आपका पास उतना पानी नहीं आता म्युनिसिपैलिटी से कि आप उसे नहा सके, कपड़े धो सके और घर साफ कर सके। उसके लिए आपके घर में बोरवेल डालना ही पड़ेगा, राइट। लिटरली आज की डेट में हर घर में एक बोरवेल है, right. और अगर बोरवेल है, 99% आपका घर का पानी हार्ड वाटर है। अच्छा। और उसकी वजह से आपका घर खराब होगा। आपने करोड़ों रुपए का घर बनाया, बट उस हार्ड वाटर की वजह से आपका घर खराब होगा। खराब कैसे होगा सर? ये हार्ड, क्योंकि वो जमीन का जो पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है। अच्छा। 99% ऑफ द चांसेस वो ज़्यादा कैल्शियम की वजह से नल खराब हो जाएंगे, शावर खराब हो जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन में रैशेज आने लग जाएंगे। अच्छा, शार के पाए की वजह से? शार की वजह से, उसके अंदर जो शार होती है, उसके जो कैल्शियम को जो हार्डनेस करते हैं, राइट। तभी हमें लगा कि यार पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है और चलो हम इसको सिंपल सोल्यूशन ढूंढेंगे, और ये हमने एक सिंपल इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया है। और इसको करना क्या है, जैसे पहले बताया था, सिंपल। आपके ओवरहेड टैंक होगा, सिंटेक्स का प्लास्टिक टैंक या सीमेंट का टैंक होगा, बस ये धागे को निकालना है और उसके अंदर जस्ट ड्रॉप करना है, दैट्स इट। नो प्लम्बर, नो मेंटेनेंस, और ये तकरीबन चलेगा आपको 10 से 12 महीने के लिए। तो सर, इसका कस्टमर कौन कौन है, इसका कितना स्कोप है, कितना बड़ा ये बिजनेस बन सकता है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जिधर भी आपको ऊपर सिंटेक्स का टैंक नजर आएगा, अच्छा, घर पे, वो हमारा कस्टमर है। Oh. आप घर बिल्डिंग के ऊपर जाके देखिए, जिधर सिंटेक्स टैंक दिख रहा है वो हमारा कस्टमर है। अच्छा, उनको सिर्फ बताना है प्रोडक्ट के बारे में, डेमो किट से डेमो बताना है, बिल्कुल, और वो देखकर ले लेंगे। बिल्कुल, उनके घर पे जाना है, डेमो दिखा देना है, डेमो 10 मिनट का डेमो लगता है, राइट। डेमो ही में ही मालूम हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट से पानी कितना साफ होता है। वाह। उसके बाद वो आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आके आपके पास ही लेके चले जाएंगे। बाप रे बाप। तो दोस्तों, आगे सर हमें बताएंगे ये जो डीकैल है वो कैसे काम करता है,
और डेमो किट से हमें डेमो भी करके दिखाएंगे कि सच में ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाता है कि नहीं, जो शार का जो कंटेंट है वो कैसे कम करता है, वो भी सर हमें डेमो दिखाएंगे। उसके बाद आगे इंस्टॉलेशन, जब आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, सुपर स्टॉकिस्ट बन जाते हो, जो भी आप जुड़ के काम करते हो, तो ये डीकैल टंकियों में, पानी के टैंक में या फिर इंस्टॉलेशन कैसे होता है, वो भी सर हमें डेमो दिखाएंगे। उसके बाद आगे प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, बिजनेस कैसे करना है, और मेन चीज मार्केटिंग, लाइक डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो आप ले लोगे बट आगे बेचना कैसे, उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आगे सर हमें बताएंगे। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट इस बिजनेस के बारे में मिस ना हो जाए। तो सर, ये आपने बता तो दिया डीकैल सॉफ्टवेयर क्या है, राइट, इसके यूजेस क्या है, बट ये सच में काम करता है कि नहीं, फ्रॉड वगैरह तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, सच में काम करता है कि नहीं? ये सच में काम करता है। तो ये कैसे प्रूफ करके दिखाओ जरा सर। ये मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा ना अभी। अच्छा, आप देख सकते हो, ये हमारा डेमो किट है, ये हमारा एक्चुअल किट है। ये हम लोग डेमो किट क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, उनको देते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। ये डेमो कस्टमर को देंगे और सेटिस्फाई होने के बाद हम वो डिफरेंसेस देखने के बाद परचेस करेंगे ये। तो सर, ये डेमो किट में क्या होता है? डेमो किट में 3 टी बैग जैसे सैशे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी खोल के। ऐसे 3 टी बैग जैसे सैशे रहेंगे आपको। अच्छा, टी बैग जैसे रहता है जी, इस तरीके का टी बैग सैशे रहता है आपको। तो सर, ये इसमें होता, इसमें क्या रहता है सर? ये जो है ना 1000 लीटर की टैंक के लिए बना हुआ है, और ये जो डेमो किट है ना, ये सिर्फ आपको 1 लीटर वेजिल में टेस्ट करना रहता है, वाटर टेस्ट। इसके अंदर जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ना, उसका थोड़ा सा सैशे जो टुकड़ा रहता है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं डेमो किट के अंदर। अभी देखिए, हम लोग एक घर में आ गए, कस्टमर के घर में। अभी यहाँ क्या है, हम लोग पानी ले रहे हैं, एक वेजल में पानी ले रहे हैं हम लोग। okay. ठीक है ना। ये कौन सा पानी सर? ये बोरिंग का पानी है। ओके okay. अभी हम लोग ने 1-1 लीटर वाटर तो ले चुका है, अभी एक में बोरिंग वाटर, बोरिंग वाटर है, इसमें भी बोरिंग वाटर है। इसमें जो हमारा डेमो किट है ना, एक सैशे इसमें डाल देंगे अपन। एक में डीकल का सैशे डाल दिया है, एक में नहीं डाला है। अभी हम लोग दोनों वेजल्स को डायरेक्टली स्टोव पर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, ऐसा डेमो दिखाकर आपके कस्टमर के घर पे क्या देखिए, ऑर्डर लॉक कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस भी करेगा वो देखने के बाद डेमो। तो सर, ये पानी कितने देर तक उबालना है? अभी ये पानी को 10 से लेके 15 मिनट तक आप उबालेंगे तो डिफरेंसेस आपको क्लियरली दिख जाएगा। अभी दोनों बॉयल हो चुके हैं, होने लग रहे हैं, देख सकते हो आप। अभी इसमें दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हो, इसमें देख सकते हो और उसमें भी देख सकते हो कलर का चेंज। अभी इसमें का बेस आप देख सकते हो कैसे क्लियर हो चुका है। अभी इसमें देखते हैं अपन, इसमें देखिए पूरा बेस कैसे अपने को येलोइश कलर, पूरा कैल्शियम कैसे बैठ रहा है नीचे। तो अभी इसी कैल्शियम की वजह से अपने को अपने बर्तन वगैरह और टैप स्टाइल्स पे दाग धब्बे लगते हैं, इसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो कैल्शियम है ना, इसी की वजह से। अभी देखिए, हम लोग ने गैस स्टोव बंद कर चुका है, बंद कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए पानी के अंदर कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अपने को पानी दिख रहा है। और इसमें देखिए, जो अपनों ने टेस्ट किट नहीं डाला है ना, इसमें देखिए पूरा एकदम आपको पानी कैल्शियम कितना दिख रहा है बॉटम में, और बाजू के यूटेंसिल्स पे भी देख सकते हो आप पूरा कैल्शियम कैसे बैठ रहा है आपको। अभी देखिए, दोनों का पानी ठंडा हो चुका है। ये जो डीकल का सैशे हम लोग ने डाला है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर है। अभी देखते हैं नॉर्मल बोर वाटर, अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ पूरा कैल्शियम देख सकते हो आप कैसे जम चुका है। ओके, क्या फॉर्मूला, क्या टेक्निकल चीज हो रही है इसमें? इसके अंदर देखिए, हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर 300 टाइप ऑफ फूड ग्रेड मटेरियल रहता है, जो कैल्शियम को डीएक्टिवेट करता है पानी के अंदर से। ओके okay. उससे क्या है, आपको ऐसा ट्रांसपेरेंट वाटर दिखेगा, कैल्शियम कहीं डिपॉजिट नहीं होगा। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही प्रॉब्लम की जड़ है, जो कैल्शियम आपको जम रहा है हर जगह पे। और ये हार्ड वाटर के प्रॉब्लम्स, सिंपल से प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, सब पिक्चर के फॉर्म में दिखा हुआ है। पाइप्स में किस तरह से शार जमा हो जाती है, सिंक्स का ऐसे लाल पड़ जाते हैं, टाइल्स गंदे हो जाते हैं, हीटर रॉड्स का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, और सिंक्स का, सिंक का और फॉसेट्स के ऊपर पूरा शार जमा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जस्ट सिर्फ उनको दिखाना है। तो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स अपने को हार्ड वाटर की वजह से होते हैं ना, वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे आपको। अभी जब आप आपके कस्टमर के घर पर ये डेमो टेस्ट करके दिखवाओगे, उसके बाद आप ये उनको सेल कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो डिफरेंसेस दिखने के बाद, ये टैंक में उनके लगवा सकते हो ये डेमो करने के बाद। अभी आप जब डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप बन जाते हो ना कंपनी के, तो आपको कस्टमर के घर जाके इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको देखिए, ये कैप रहता है, इसको ऐसा ओपन करना है, देन उसके बाद इसके अंदर ऐसा आपको डीकल ऐसे रहेगा आपको। अच्छा, ये फाइनल रहता है जी? फाइनल रहता है। ओके, अभी इसको हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं, जैसे कि पूरा ये निकाल रहे हैं।
अभी इसमें कैटलॉग और आपको वारंटी कार्ड भी रहेगा जो आप आपके कस्टमर को दे सकते हो। वारंटी क्या रहेगा सर? वारंटी 6 मंथ्स वारंटी रहता है आपको कस्टमर को आप दे सकते हो, जो अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या लाइफ इश्यू होता है तो डायरेक्ट आप क्लेम कर सकते हो। वारंटी फ्री रिप्लेसमेंट रहेगा आपको कंपनी की तरफ से। ओके ऐसा रहता है आपने को डीकल 1 लीटर वाटर बॉटल टाइप साइज रहता है इसका। इसके अंदर अपने को डोरी भी आता है। अच्छा ये डोरी क्यों रहता है सर? ये अपने को देखिए ये अपना जो पाइप रहता है ना उसको हैंग करना है। ये डीकाल को क्या है पूरा एकदम नीचे नहीं छोड़ना रहता है, 1 इंच गैप देके क्या देखिए आपको रखना रहता है। ऐसे लटका देना है क्या? ऐसे लटका देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो हमारा डीकाल है ना ये 1000 से 1500 लीटर की टैंक के लिए सपोर्ट करता है। 1000 से 1500 लीटर के लिए ये एक चलेगा? हाँ 1000 से 1500 लीटर के लिए एक चलेगा। 3 लाख लीटर कंजप्शन आप पानी कंज्यूम कर सकते हो ये कैटरेज से। ओके जी, मतलब अभी 3 लाख लीटर तक हम लोग, मतलब 3 लाख लीटर वाटर इससे पास हो जाए? पास हो जाएगा। ओके जी, जब तक चलेगा? जब तक चलेगा। और टैंक कितना ये? 1000 लीटर की रहना चाहिए टैंक। ओके उसके लिए एक काफी है ना? एक काफी रहेगा। ओके अभी इसको अपन ड्रॉप करते हैं पानी के अंदर। ये ऐसे इमर्ज हो जाएगा। ओके सिर्फ बेस लेवल तक टच नहीं करना है? बेस तक टच नहीं करना है अपने को, 1 इंच का गैप रख के। okay. उसके बाद ये जो थ्रेड है ना अपने को यहाँ पे पाइप वगैरह कुछ होगा तो यहाँ पे बंद देना है। ओके okay. अभी देख सकते हो आप ऐसा। मतलब ओवरऑल 3 लाख लीटर वाटर के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा ना? जी हाँ, यूज कर 3 लाख लीटर इससे यूज करने के बाद। अभी ये जो इमर्ज हो चुका है ना ये क्या है कि पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा हॉरिजॉन्टली, अगर इसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो। ये 1 साल के बाद आपको फिर से चेक करना रहता है, ये ऊपर आ जाएगा। ओके उसका मतलब जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा ये तैरने लग जाएगा? एग्जैक्टली ये ऊपर आ जाएगा, तैरने लगेगा। ओके ओके जी, तो तब फिर दूसरा डालना पड़ेगा, रिप्लेस कर देना रहता है आपको। अभी इसका इंस्टॉलेशन तो आप देख चुके हो, सिंपल रहता है, सिर्फ टैंक के अंदर डालना रहता है, कोई भी कस्टमर कर सकता है, ऐसा पर्टिकुलर जरूरी नहीं है प्लम्बर आके या कोई भी आके करना। मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है आपको, ये प्लम्बिंग वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। अभी ये जो हमारा डीकल है ना ये आप टंकी के अंदर डालोगे जो शार्क कंटेंट रहता है ना वो गायब हो जाएगा आपको, आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा ये शार्क कंटेंट। जैसे अगर कोई ये टैंक में डालेगा हाँ, तो टैंक का जो पानी है वो तो डेली यूज में आएगा, कोई पानी पीने के लिए करेगा या फिर अलग अलग चीजों के लिए, तो इससे पानी खराब तो नहीं होगा ना? मतलब जहरीला कुछ हो जाए या हेल्थ को कोई प्रॉब्लम दे वगैरह, स्किन को कोई प्रॉब्लम दे? नहीं नहीं, इनफैक्ट पानी अच्छा होगा। राइट एक तो पानी अच्छा होगा और ये पूरा फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, सो इट इज वेरी सेफ टू यूज। इसकी बहुत सारी टेस्टिंग करी हुई है। तो सर मेन बात है हम लोग डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले लेंगे, बट बेचना कैसे है, आगे मार्केटिंग कैसे करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए। और आपके जो रिसेंट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट कैसे काम कर रहे हैं वो जरा बताइए। अभी क्या है इसको मार्केटिंग करना है बोल तो आप सोशल मीडिया पे क्या कि जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम है उस पे भी क्या होता है कि डीकाल के फोटोज वीडियोज वगैरह लगा सकते हो, और जो गेटेड कम्युनिटीज रहती है ना वहाँ पे भी इजिली स्टॉल लगा के आप दिन में 50 से 100 पीस बेच सकते हो। तो इससे क्या है आपका मार्जिन एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। अभी एग्जीबिशन जो रहते हैं वहां पे भी क्या होता है कि आप स्टॉल लगा के वहां पे समझा सकते हो। अभी क्या है और एक वे मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर जो रहते हैं ना जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर सप्लाई होते हैं हर घर को जाते हैं, तो वहां पे भी जो हमारे कैटलॉग्स रहते हैं ना वो क्या होता है कि आप इंसर्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर में, तो उससे क्या आपको घर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ईजी वे हो जाएगा आपको। सिर्फ न्यूज़पेपर जो भी खोल के पड़ेगा उसको कैटलॉग आएगा, प्रोडक्ट के बारे में वो समझेगा, फिर आपको कॉल करेगा, प्रोडक्ट उसको चाहिए होगा तो कॉल करके क्या होता है कि आप उसके घर जाओगे, डेमो करोगे और उसको ईजिली सेल कर पाओगे। जो रिक्शा रहते हैं ना रिक्शा ऑटो उसके पीछे भी आपको एक स्टैंडर्ड हम लोग बैनर प्रोवाइड करेंगे, वो बैनर भी क्या होता है कि आप पीछे लगाने से क्या है आपको इजीली वहां पे नंबर आपका मेंशन कर दीजिए, जो भी देखेगा अट्रैक्ट होगा वो आपको कॉल करेगा ऑब्वियसली, और इजी आपका सेल हो जाएगा। एंड कस्टमर जो भी ये अपने टंकी में डालेगा जो एंड कंज्यूमर रहेगा उसको इसका MRP क्या है फिलहाल? इसका MRP देखिए 4500 रुपीज MRP है। अगर आप इस पर डिस्काउंट भी देते हो कस्टमर को तो अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो और कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट दूसरों को रिफर करेगा। तो सर अभी हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर हमारे व्यूअर्स को इसका डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है अपने डीकैल का, अपने एरिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है जी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी हमारे व्यूअर्स को वो जरा बताइए। अभी देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपको क्या होता है कि 3 कैटेगरीज रहते हैं। अभी फर्स्ट है सुपर स्टॉकिस्ट, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड है डीलर। अभी आपको थिंक करना होगा जैसे कि आपको क्या बनना है। अभी डीलर में अलग मार्जिन रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर में अलग रहता है, सुपर स्टॉकिस्ट में अलग रहता है। राइट जी,
तो उसके बाद क्या था कि अपने को सुपर स्टॉकेज का क्वांटिटी वाइज रहता है, डीलर का भी क्वांटिटी वाइज रहता है और डिस्ट्रीब्यूटर का भी क्वांटिटी वाइज रहता है, मतलब जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, और उतना उसको सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट अभी जो डीलर है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर कन से लेगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना सुपर स्टॉकेज कन से। ये चेन हमारा ऑलरेडी सेट है, ये हम लोग कंपनी से कहते हैं कि पिछले 3 साल से कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऑल सेट है। तो अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, जो तो सर अभी मेन बताइए इसमें मार्जिन कितना मिल जाएगा, एवरेज मार्जिन अगर हमारे व्यूवर्स कुछ भी बनते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट कुछ भी बनते हैं, तो एवरेज मार्जिन एक पीस एक यूनिट पे कितना होगा वो जरा बताइए। डीलर को देखिए 1200 से 1000 रुपये का मार्जिन आपको मिलता है लैंडिंग कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर को 1500 से 1600 रुपये का मार्जिन रहता है। सुपर स्टॉकिस्ट को कहते हैं कि आपको इजिली 1800 रुपीज का मार्जिन मिलता है आपको पर पीस इंक्लूडिंग एंड एवरीथिंग। ओके, और सर कमाई कितनी हो सकती है मेन वो बताइए कि कितनी कमाई कर सकता है कोई अगर कुछ भी बन जाता है तो, किसके साथ भी मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर स्टॉकिस्ट बनता है। अभी एग्जांपल डीलर ले लीजिए, वो कहते हैं कि 20 पीस लेता है और वो मार्केट में सेल करता है 20 पीस का, आराम से उसको कहते हैं कि 1000 रुपये का भी अगर मार्जिन पकड़ते हैं तो 20000 रुपये विद इन 20 पीसेस का बता रहा हूँ, 20 पीस वो बेचता है तो 20000 रुपये उसके पॉकेट में रह रहे हैं। वाह जी, और डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट भी कहते हैं कि आपको सेम रहता है पर यूनिट 1500-1300 जो भी रहेगा आपको, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। राइट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले मंथ जो लास्ट मंथ है ना हमारा, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसने क्या है कि 500 पीस लास्ट मंथ बेचा है, तो उसको मार्जिन क्या है कि इजीली 5 लाख रुपीस पर मंथ उसको मार्जिन मिला है। क्या बेचने से? हमारा डीकाल बेचने से। ओके, तो 5 लाख रुपीस उसको मार्जिन मिला है। वाओ, तो दोस्तों अगर आपको भी ये डीकाल का प्रोडक्ट अपने एरिया में लॉन्च करना है तो सर की कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।